दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल माइंड हैकर। दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक को, जिससे हम माइंड पे अपना कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, माइंड को कंट्रोल करना हमारे लिए अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। और माइंड हमारे कंट्रोल में ना होने के कारण बहुत लोग टेंशन, फ्रस्ट्रेशन की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो निगेटिव थॉट्स में नहीं रहना चाहते, मगर वो खुद को वहाँ से बाहर निकाल भी नहीं पा रहे हैं। वो बुरी आदतों से खुद को अलग करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माइंड का एक पैटर्न बन चुका है। उसे उस सिचुएशन में उस तरह से जीने की, उस तरह से रहने की एक पैटर्न बन चुकी है उसकी। वो अपने पैटर्न से कभी हटना नहीं चाहेगा। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहेगा। और जब भी आप देखते होगे कि आप कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे, वो आप पे हावी हो जाता है। आपको नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डालने लगता है, ताकि आप हार मान के उस चीज़ को करना छोड़ दो। आप जानते हो कि वो चीज़ करने से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, फिर भी आप नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं माइंड हमारे अंदर रह के हमारे लिए एक दुश्मन का काम कर रहा है। माइंड अगर हमारा दुश्मन हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मरो, जियो या आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। उसे सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहने से मतलब है। वो अपने पैटर्न से ही चलना चाहेगा। दोस्तों, यही वजह है कि हम चाहकर भी चेंज नहीं ला पाते अपनी लाइफ में। तो इस पावरफुल चीज़ को अगर हमें अपने बस में करना है, तो हमें कुछ ट्रिक्स और टेक्निक लगानी पड़ेगी, जिससे हम उन्हें धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएं। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग है, अगर आप चाहते हो कि अपने माइंड को कंट्रोल करना, और आप जानते हो कि अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो अपने इशारों पे आपको ज़िंदगी भर नचाता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो एक खुशी जीवन जीना, एक सक्सेसफुल इंसान बनना, तो सबसे पहले अपने ऊपर आपको विश्वास करना होगा कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि लोग पहले ही हार मान जाते हैं कि यार ये काम इम्पॉसिबल है, या कुछ लोग कुछ दिन करके हार मान जाते हैं। और माइंड यही तो चाहता है कि आप हार मान जाओ और वो अपने पैटर्न से ही चलता रहे। तो आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास करना है कि मुझे अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना है, क्योंकि ये करना मेरे लिए सही है, मेरी लाइफ के लिए सही है। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, गुलामों की ज़िंदगी नहीं जीनी, जहाँ खुद के एक्शन पे कंट्रोल ना हो। आपने हमेशा देखा होगा कि हम कुछ करना नहीं चाहते, मगर हमसे हो जाता है। हम कभी कुछ बोलना नहीं चाहते, पर हमारे मुंह से एक ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं जिससे हम बहुत बाद में गिल्ट फील करते हैं। तो आखिर ये सब कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, लेकिन आपका माइंड आपको यूज़ कर रहा है। तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जिस चीज़ को आप करने जा रहे हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको खुद पे विश्वास रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको खुद पे विश्वास ना रहा, तो माइंड आपको बेवकूफ़ बनाएगा। आपको वो ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेगा कि आप ये नहीं कर सकते। तो हमें खुद पे बिलीव करना है कि हमें ये करना ही है। दूसरा, कि आपको एक होप रखनी होगी। ये नहीं कि आप चाहोगे कि दो चार दिन इसको ट्रिक्स को, टेक्निक को अपनाएं और मेरी ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि ये माइंड इतना पावरफुल हुआ है, उसके पीछे आपके बहुत साल हैं। आपने जितने भी आपकी एज हैं, बहुत सालों से वो पैटर्न चला आया है, तब वो उतना पावरफुल हो चुका है। तो आपको कुछ दिन लगेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी आदतें बन जाएंगी, आपके पैटर्न को बदलने लगेंगी, जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो।
तीसरा है कि आपको ये समझना होगा कि आप माइंड को कंट्रोल करके लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हो, उसके पावर्स को आपको समझना होगा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो ये आप जान लो कि आप अपने माइंड से दुनिया की हर वो चीज़ पा सकते हो जो आप चाहते हो। तो इस माइंड को हमें अपने लिए यूज़ करना है, ना कि हमें उसका गुलाम बन के रहना है। तो दोस्तों हमें अपने थॉट्स पे अगर कंट्रोल करना है तो उसका एक ट्रिक है कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। हमारे पास एक बहुत अच्छी पावर्स है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता लगता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप उसी फ्लो में बहते नहीं चल जाते हो। अभी तक आपके साथ ये होता है कि कोई एक नेगेटिव थॉट्स आए और आप बहते हुए चल जाते हो, आपके 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। पर अब अगर आपके दिमाग में कोई एक नेगेटिव थॉट्स आए तो आप उसको वॉच करने लग जाओ, उसे देखने लग जाओ गौर से। कहते हैं जब आप गौर से किसी चीज़ को देखते हो ना तो वो चीज़ धुंधली पड़ने लग जाती है। आप देखोगे कि जिस फ्लो में आपके थॉट्स पहले बह रहे थे या पहले बहते थे, अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी थॉट्स आए, आप उसे देखो और खुद ही खुद मन में कहो कि ये थॉट्स मेरे प्रेजेंट में कोई काम के नहीं है। क्योंकि माइंड हमेशा आपको थॉट्स देता है, या तो पास्ट की या तो फ्यूचर की। वो बहुत कम समय प्रेजेंट में रहता है, और प्रेजेंट में ना रहने की वजह से ही हम आज सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या हमारे अंदर खुशी नहीं है, हम खुशी को महसूस नहीं कर पाते हर चीज़ होने के बावजूद भी। हम अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, हमें लगता है हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं, हम एक कठपुतली हैं। तो ये बिलीव आप हटा दो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस अपने माइंड को लगाम लगाना है। तो आपका ये ट्रिक आप हमेशा याद करो और लिख लो कहीं कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि जब भी कोई थॉट्स आए आप उसमें इन्वॉल्व होके खो नहीं जाना, आप उसे उस वक्त ही रोको कि ये थॉट्स या तो पास्ट के हैं या तो फ्यूचर के हैं जो कि आपके प्रेजेंट में कोई काम नहीं करते। तो मुझे ऐसे जगह पे अपने दिमाग अपनी एनर्जी को नहीं लगाना, सो आप उसे कट करो। फिर आप देखोगे कि तुरंत बाद फिर एक थॉट्स आएंगे, फिर आप यही बात बोलो, आप देखोगे कि तीसरे बार वो थॉट्स गायब हो जाएंगे। आप ये ट्राई करके देखना, जब कुछ दिनों तक आप लगातार ये करोगे तो आप देखोगे कि आपकी ये आदत बन जाएंगी कि कोई भी निगेटिव थाट्स को वॉच करना और उसको वहीं पर रोकना। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप इसमें मास्टरी कर पाओगे, आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल होगा। ये ट्रिक आप जरूर अप्लाई करना क्योंकि ये ट्रिक काम करता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टेज देखे हैं, ऐसे हालात देखे हैं जिसमें मेरा भी खुद पे कुछ काबू नहीं रहता था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन और बहुत टेंशन में रहती थी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। पर मैंने जब इस चीज़ को समझा और अप्लाई किया तो मेरी लाइफ में चेंजेस आए, और अब मैं चाहती हूँ कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में आए। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप ये करो तो आपके लिए भी ये काम करेगा। दोस्तों अगर आप विश्वास करके किसी चीज़ को शुरू करते हो और आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, तो आपको कुछ दिन अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ एक झटके में नहीं होती, जो पैटर्न आपके माइंड का सालों में बना है वो आप एक दिन में नहीं कर सकते। तो आप प्रैक्टिकल होके सोचो और उस तरह से काम करो। आज की हमारी माइंड हैक ट्रिक्स थी अपने थॉट्स को कैसे हम कंट्रोल करें। नेगेटिव थॉट्स आए उसको वॉच करें और वहीं पे उसको वॉच करके एक स्टेटमेंट दें कि ये थॉट्स पास्ट की हैं फ्यूचर की हैं, मेरे प्रेजेंट की तो कोई है ही नहीं, तो मेरे इससे कोई काम नहीं है। ये चीज़ें आपको सिर्फ दुख की तरफ ही ले जाती हैं। तो दोस्तों आप इसे अप्लाई करें और हमें अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी ये चीज़ को समझ पाएँ और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।